नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली। यदि आपने इस बार यूपी पीजीटी भर्ती 2021 की परीक्षा दी है या फिर आप भविष्य में यूपी पीजीटी भर्ती की परीक्षा देना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको अवश्य देखना चाहिए। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूपी पीजीटी भर्ती की फाइनल मेरिट किस प्रकार तैयार की जाती है। अधिक जानकारी के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। आइए शुरुआत करते हैं। तो इसके लिए हमने ओपन कर लिया है यूपी पीजीटी भर्ती 2021 का विज्ञापन और इस विज्ञापन के हम पेज नंबर 8 पर पहुंच जाते हैं। पेज नंबर 8 पर दिया हुआ है, फ्रेश एवं तदर्थ शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए प्रवक्ता पद का चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के आधार पर अधिसूचना संख्या जो यहां पर दी हुई है द्वारा संशोधित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली में भीत प्रक्रिया अनुसार होगी। बोर्ड प्रवक्ता पद के लिए लिखित परीक्षा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों और विशेष योग्यताओं के लिए अंकों के आधार पर सूची निम्न प्रकार तैयार करेगा। तो देखिए, सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा के आधार पर 85% अंक आपको प्रदान किए जाएंगे। 85% का मतलब है कुल मिलाकर यहाँ पर 500 अंकों का एग्जाम पैटर्न है, उसमें से 425 अंकों की लिखित परीक्षा होगी और 10% अर्थात 50 अंकों का यहाँ पर इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपको 4% अंक सामान्य ज्ञान के आधार पर मिलेंगे, आपको 3% अंक व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर मिलेंगे और 3% अंक आपकी अभिव्यक्ति की योग्यता के ऊपर मिलेंगे। कुल मिलाकर 50 अंकों का यहाँ पर इंटरव्यू है। इसके अलावा आपको आपकी विशेष योग्यताओं के संबंध में भी अंक प्रदान किए जाएंगे। यदि आपने पीएचडी कर रखी है तो उसके लिए आपको 2% अर्थात 10 अंक प्रदान किए जाएंगे। यदि आपने एमएड कर रखा है तो आपको 2% अर्थात 10 अंक प्रदान किए जाएंगे। यदि आपने बीएड कर रखा है तो आपको 1% अर्थात 5 अंक प्रदान किए जाएंगे। परंतु यदि आपने बीएड और एमएड दोनों कर रखा है तो आपको एमएड के ही 10 अंक प्रदान किए जाएंगे, बीएड का कोई अंक प्रदान नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी जो राज्य की टीम के माध्यम से किसी राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद प्रतियोगिता में भाग ले चुके हैं उनको 1% अर्थात 5 अंक प्रदान किए जाएंगे। तो इस प्रकार से देखा जाए तो कुल मिलाकर 425 अंकों की लिखित परीक्षा होगी, 50 अंकों का साक्षात्कार होगा और 25 अंक आपको वेटेज के मिलेंगे। कुल मिलाकर 500 अंकों का यहां पर एग्जाम पैटर्न होने वाला है। तो देखिए, इस भर्ती में तदर्थ प्रवक्ताओं ने भी आवेदन किया है, उनको उनकी सेवा के आधार पर यहां पर वेटेज प्रदान किया जाएगा। तो इस संबंध में यहां पर लिखा हुआ है, तदर्थ प्रवक्ता के लिए उनके द्वारा कार्य करने की अवधि के आधार पर सेवा आधारित अधिभार अंक वेटेज दिया जाएगा। एक वर्ष की सेवा के लिए 1.5 अंक तथा अधिकतम 30 अंक साक्षात्कार के स्तर पर दिए जाएंगे। अर्थात इनको जो ये अंक है ये लिखित परीक्षा पास करने के बाद में प्रदान किए जाएंगे। तदर्थ प्रवक्ता द्वारा लिखित परीक्षा में पाए गए प्राप्तांकों में साक्षात्कार में प्राप्त अंक, विशेष योग्यताओं के आधार पर प्राप्त अंक तथा सेवा आधारित अधिभार अंक जोड़ दिया जाएगा, जो किसी भी दशा में 500 से अधिक नहीं होगा। यदि किसी तदर्थ शिक्षक के अंक यहां पर कुल मिलाकर 500 से अधिक बैठते हैं तो उसको 500 अंक ही प्रदान किए जाएंगे, इससे अधिक अंक प्रदान नहीं किए जाएंगे। तो देखिए, साक्षात्कार हेतु मेरिट किस प्रकार से बनाई जाएगी, तो यहां पर दिया हुआ है, फ्रेश एवं तदर्थ शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर प्रवक्ता संवर्ग में साक्षात्कार हेतु समेकित मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। आपका जो रिटन एग्जाम होगा उसके आधार पर मेरिट बनाई जाएगी और मेरिट में जो अभ्यर्थी ऊपर आएंगे उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू होने के बाद में ही आप लोगों को जो वेटेज मार्क्स हैं वह प्रदान किए जाएंगे। आइए जान लेते हैं अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के आधार पर अंक किस प्रकार प्रदान किए जाएंगे। तो देखिए, यहां पर 425 अंकों की लिखित परीक्षा आयोजित की गई है और उसमें 125 प्रश्न आए हैं। इस हिसाब से एक प्रश्न 3.4 अंक का हो जाता है। यदि किसी अभ्यर्थी ने 100 प्रश्न सही हल किए हैं और परीक्षा में से कोई भी प्रश्न हटाया नहीं गया है, अर्थात विवादित होने के कारण कोई प्रश्न बाहर नहीं किया गया है, तो 100 प्रश्न सही हल करने पर अभ्यर्थियों को 340 अंक प्रदान किए जाएंगे। और यदि परीक्षा में 5 प्रश्न ऐसे आते हैं जो विवादित हैं और उनको हटा दिया जाता है तो कुल मिलाकर जो प्रश्न हैं वह 120 रह जाएंगे और 425 को 120 से भाग देने पर एक प्रश्न 3.54 अंक का हो जाएगा। और यदि कोई अभ्यर्थी 100 प्रश्नों को हल करता है तो ऐसी दशा में उसको 354 अंक प्राप्त होंगे। अब देखिए क्या होगा, सबसे पहले लिखित परीक्षा में जो अभ्यर्थी अंक प्राप्त करेंगे उनकी घटते हुए क्रम में मेरिट तैयार की जाएगी। घटते हुए क्रम में मेरिट तैयार करने के बाद में श्रेणीवार
पदों की संख्या के आधार पर 3 से लेकर 5 गुना अभ्यर्थी सफल घोषित किए जाएंगे, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में बुलाने के बाद में फाइनल मेरिट किस प्रकार से तैयार की जाएगी, आइए जान लेते हैं। हम बात करते हैं कि इंटरव्यू के बाद में फाइनल मेरिट किस प्रकार से तैयार की जाती है। देखिए, सबसे पहले अभ्यर्थियों के रिटर्न मार्क्स लिख लिए जाते हैं, उसमें उनके इंटरव्यू मार्क्स जोड़ दिए जाते हैं, और यदि बीएड किया है तो बीएड के 5 अंक, और यदि एमएड किया है तो 10 अंक यहां पर जोड़ दिए जाते हैं, यदि पीएचडी की है तो 10 अंक लिख दिए जाते हैं, और यदि अभ्यर्थी ने प्रदेश की टीम के माध्यम से स्पोर्ट्स में भाग लिया है तो उसके अंक यहां पर लिख दिए जाते हैं। इस प्रकार से अभ्यर्थी के कुल अंकों का योग किया जाता है। सभी अभ्यर्थियों के अंकों का योग करने के बाद में इनको जो यहाँ पर प्राप्तांक दिए हुए हैं इसमें घटते हुए क्रम में लिख लिया जाता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो प्राप्तांक दिए हुए हैं ये घटते हुए क्रम में दिए गए हैं। इसके बाद विषयवार उपलब्ध सीटों के सापेक्ष श्रेणीवार अभ्यर्थियों का चयन किया जाता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।